दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ड्राइंग में ह्यूमन डीएनए मिला तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लियोनार्डो डाविंची ने एक ड्राइंग बनाया था जहां पे आज रिसर्चर्स को ह्यूमन डीएनए मिला। तो वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन JIT रंजीत नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रैमसेल्स। तो अगर आप रेडी हैं तो हम भी वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लियोनार्डो डाविंची अपने शानदार ड्राइंग के साथ साथ अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपने नेक्स्ट लेवल के दिमाग की वजह से जाने जाते हैं। पर फिर भी जब भी हम लियोनार्डो डाविंची के बारे में कुछ पढ़ते हैं, हम हमेशा शॉक हो जाते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ लियोनार्डो डाविंची से जुड़ा हुआ कुछ। तो अभी अभी एक रिसर्च से पता चला है कि लियोनार्डो डाविंची की एक ड्राइंग में से ह्यूमन डीएनए ट्रेस हुआ था। मींस व्हाट? ह्यूमन डीएनए, वो भी ड्राइंग से? पता नहीं कैसे, मैंने तो बस टीवी में ही देखा था कि खून के खत लिखे जाते हैं, मींस ब्लड से लेटर लिखे जाते हैं, पर आजकल डीएनए से भी। अरे वाह, मतलब कैसे और कौन ड्राइंग में डीएनए कैसे डाल सकते हैं? पर एक मिनट, रुक जाइए, ज़्यादा उतावले मत होइए, पूरी तरह से रिसर्च के बारे में पहले जान लीजिए फिर उछलिएगा, ठीक है? तो रिसर्च कहता क्या है? तो रिसर्च कहता है कि लियोनार्डो डाविंची के ड्राइंग में ह्यूमन डीएनए मिला और उसके साथ साथ कुछ दूसरे बैक्टीरिया और फंगी भी मिले ड्राइंग में से। और जो बात है ह्यूमन डीएनए की, तो रिसर्चर कहते हैं कि ड्राइंग में जो डीएनए मिला है वो डाविंची ने जानबूझ के इंक्लूड किया या कुछ दूसरे वजह से ड्राइंग में आ गया डीएनए, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि डाविंची के बाद जिसको ये ड्राइंग मिला हो उसके हाथों से या उसके वजह से डीएनए ट्रांसफ़र हो गया हो ड्राइंग में, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, रिसर्च तो कुछ साफ साफ नहीं बताता, आपको क्या लगता है? आप साफ साफ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइए मुझे, और अगले वीडियो का इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हर दिन वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम फिर मिलेंगे कल। तो दिस इज रंजीत नायक एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय। और आज के मुख्य समाचार, समाप्त हुए, नमस्ते।